अक्टूबर आधा बीत चुका है। इस टाइम पर सभी लोग विंटर गार्डन की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं भी विंटर गार्डनिंग की तैयारी कर रही हूं, लेकिन मेरे पास में प्लांट मुझे परचेस नहीं करने पड़ रहे हैं। कुछ प्लांट अपने आप ही सीड से ग्रो हो जा रहे हैं, जैसे कि ये जीनिया है, टोरेनिया है। तो टोरेनिया के भी मुझे दो तीन कलर मेरे गार्डन में अपने आप ही सीड से ग्रो हुए मिले हैं, तो उन्हीं को मैं सबको लगाने में लगी हुई हूँ पॉट में। जब विंटर गार्डनिंग की बात आती है तो रोज प्लांट, मैरीगोल्ड, इन सब की बात जरूर होती है। मैरीगोल्ड एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। खूबसूरत होने के साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। अगर हम इसको अपने गार्डन में लगाते हैं इस प्लांट को, तो पॉलिनेटर बहुत अच्छे से अपने गार्डन में हो जाते हैं। उसके बाद में जो है हमारे प्लांट में कई कई तरह के कलर ऐड हो जाते हैं। तो हम एक प्रकार का फ्लावर लाते हैं नर्सरी से, उसमें अगर हम और भी प्लांट बनाते हैं तो उसमें कई कई वेरिएटेड फ्लावर, मतलब बहुत सारे कलर ऐड हो जाते हैं। सिर्फ ये मैरीगोल्ड लगाने से पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा आते हैं, भंवरे बहुत ज़्यादा आते हैं, तितलियाँ आती हैं। तो जिन व्यूवर की समस्या रहती है कि हमारे यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से सीड्स पॉलिनेट नहीं होते, मतलब सीड पॉड नहीं बनते हैं, तो आप जो है इस तरीके के पौधे लगाएं, जैसे कि मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हम नर्सरी से लाते हैं तो एक दो ब्रांच रहती हैं, और अगर नर्सरी से लाते भी हैं काफी बुशी रहता है तो काफी कॉस्टली प्लांट बेचते हैं। मैरीगोल्ड को कटिंग से लगाना बहुत आसान है। ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास में ड्रॉप वैरायटी का प्लांट पहले से था। मैंने इसको कटिंग से लगाया था लास्ट सितंबर में। दो प्लांट लगाए थे, दोनों ही प्लांट लगे थे, क्योंकि मेरा प्लांट जो है डेड होने वाला था बारिश की वजह से। मैरीगोल्ड को बारिश में सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल होता है, तो किसी तरीके से सितंबर लास्ट तक मेरा प्लांट बचा था। मैंने दो प्लांट जो है इससे कटिंग से लगाए थे, और आप देख सकते हैं इनको मैंने कटिंग करने के बाद में, जैसे ही कटिंग रेडी हो गई थी, मैंने इनकी पिंचिंग स्टार्ट कर दी थी। पिंचिंग करने से पौधे बहुत सारे ऐड हो जाते हैं हमारे गार्डन में, पिंचिंग भी हो जाती है और प्लांट अच्छे से बूसी भी हो जाता है, और उसके बाद में जो है नए प्लांट भी रेडी हो जाते हैं। अगर आप पिंचिंग करते हैं तो एक दो नोड एरिए से, एक नोड एरिए, दो नोड एरिए से पिंचिंग करते हैं, उसके बाद में वो पिंचिंग वाली कटिंग को आप सेंड में लगा देते हैं प्रॉपर, तो प्लांट काफ़ी अच्छा आपका नया तैयार हो जाता है। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट मैंने अभी बीच में, मेरे यहाँ पर एक लारी वाले, मतलब कि एक ठेले वाले आए थे, उनसे मैंने लिया था, तो ये वही प्लांट है। तो इस प्लांट से भी मैं कटिंग लगाऊंगी और नए नए पौधे बनाऊंगी, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आज का टॉपिक मेरा ये है कि नर्सरी वाले जो प्लांट बेचते हैं वो प्लांट को इतना घना कैसे कर देते हैं, और कौन सी खाद देते हैं जिससे इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। ये जो वैरायटी है इसमें येलो और रेड कलर के फ्लावर आते हैं, और नर्सरी में अगर आप देखने जाएंगे तो इस टाइम पर पूरा ही फूलों से भरा हुआ प्लांट आपको मिलेगा। तो किस तरीके से कौन सी खाद देते हैं जिससे कि प्लांट आपका एकदम भरा हुआ हो जाता है, और बूशी करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया कि प्लांट की आप जितनी ही ज़्यादा पिंचिंग करेंगी उतना ही अच्छा बूशी हो जाता है प्लांट। तो अभी आपने देखा ना कि मैंने ये जो एकदम आपको मरी हुई सी, एकदम डेड सी ब्रांच लग रही है, लेकिन ये डेड नहीं है। अगर इसको हम प्रॉपर सैंड में भी लगा देंगे, मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ क्योंकि ये सैंड और सॉइल का मिक्स है, तो ऐसे ही लगा देती हूँ, तो कटिंग मेरी रेड मतलब रेडी हो जाती है। और इसमें थोड़ी सी रूट्स रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से जो है एरियल रूट्स निकली हुई हैं। इन रूट्स के ब्रांच को अगर आप कट करते हैं एकदम रूट के साथ में, तो प्लांट आपका जल्दी ही रेडी हो जाता है। नए नए प्लांट आप बना सकते हैं नर्सरी में लेने जाएंगे, तो जिस हिसाब से पॉली बैग होगा उस हिसाब से आपको प्लांट का प्राइस मिलेगा। तो यदि आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो उसको किस तरीके से लगाना है वो बता देती हूँ। सैंड और सॉइल का मिक्स लेना है, गोबर की खाद लेनी है, सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर और आपको उस प्लांट को लगाना है। यही तीन चीज आपको यूज करनी है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में टिक जाता है। आप चाहें तो इसमें जो है नीम खली का यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है अगर आपके पास में हो तो। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जितना आप पिंचिंग करेंगे उतना अच्छा घना प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। तो आप जितनी ही ज्यादा पिंचिंग करेंगे पौधा एकदम हेल्दी सा ग्रोथ दिखाई देगी, आपको देखने से लगेगा काफी ग्रोथ हुई है पौधे की, मतलब काफी बूसी सा पौधा है। तो मैं इसकी पिंचिंग कर देती हूँ अभी। अब इसमें बर्ड्स आ रहे हैं तो अब इनमें फ्लावरिंग लूंगी। मैंने इनमें दो बार पिंचिंग करी है जब से मैंने इनकी कटिंग लगाई है, इससे ज्यादा पिंचिंग नहीं करी है। उसके बाद में बात आती है पेस्ट अटैक का, तो मैं इसमें नीम ऑयल का रेगुलरली स्प्रे करती हूँ, हफ्ते में दो बार स्प्रे करती हूँ। अगर आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो नीम की पत्तियों से आप ऑयल बना सकते हैं, मतलब कि नीम की पत्तियों को क्रश करके अच्छी तरीके से ग्राइंडर में पीस कर, और आप उसमें थोड़ा सा नीम के लिए पानी ऐड करें, जैसे कि एक चम्मच नीम ऑयल है तो आप दो तीन चम्मच के करीब आप उसमें
पानी ऐड करें और उसका आप स्प्रे करें, और आप चाहें तो आप इसमें लिक्विड सोप का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पे पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, या आपके पास में कोई पेस्टिसाइड हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन पॉइंट कि इनमें इतने ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे होती है, नर्सरी वाले इतने ज़्यादा फ्लावरिंग मैरीगोल्ड में किस तरीके से लेते हैं। तो वो जो देते हैं वो है ये डीएपी। डीएपी के दाने वो हफ्ते में एक बार जरूर अपने पौधे में डालते हैं, जिससे कि मैरीगोल्ड के पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो मैं इसी तरीके से, हमको इसमें जो है रिंग साइड नहीं बनानी है, इस तरीके से आपको दबा देने हैं। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन मैरीगोल्ड की रूट भी काफी ऊपर ऊपर रहती हैं, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगी, क्योंकि कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है और बहुत ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है इसको, 20-22 दिन हुए होंगे तब से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैंने इसमें खाली सॉइल मिक्स जो मैंने आपको बताया वही डाला था, गोबर की खाद और सैंड तो मेरे गार्डन सॉइल में रहती ही है, क्योंकि मैं उसी को रिचार्ज करती रहती हूँ। एक बार जो गार्डन सॉइल गार्डनिंग स्टार्ट करते टाइम लेकर आई थी, उसी को मैं रिचार्ज करके अपने विंटर की सॉइल बनाती रहती हूँ। इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर दे देना है, इसमें पानी दे देना है। आप इस फर्टिलाइजर को चाहे सुबह दें, शाम को दें, किसी भी टाइम पर आप दे सकते हैं, पानी आपको उतना ही देना है। मिट्टी मेरी काफ़ी नम थी तो मैंने थोड़ा ही पानी दिया है, जिससे कि जितने भी डीएपी के दाने हैं धीमे धीमे घुलनशील होने लगे और हमारे पौधे पर असर दिखने लगे। आप चाहें तो इसमें एप्सम सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट की भी हाफ टी स्पून से भी कम, मतलब एक पार्ट आप इसका इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं, या मिक्स करते टाइम जब सॉइल मिक्स बनाते हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी मैरीगोल्ड का कोई पुराना प्लांट है तो उसकी कटिंग आप लगा लीजिए, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग रेडी हो जाती है, नए नए प्लांट रेडी हो जाते हैं, आपका एक रुपए भी खर्च नहीं होगा, नए नए प्लांट ऐड हो जाएंगे, पॉलिनेटर इसको देखकर बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में आएंगे। तो इन प्लांट को नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, नहीं तो नर्सरी से एक प्लांट लेकर आइए और कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड में इस तरीके की रूट्स निकलती रहती है। इनके कारण आप अगर इनको प्रॉपर सैंड में या सॉइल में भी लगाएंगे तो प्लांट बहुत रेडी तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने मैरीगोल्ड को तैयार करें और विंटर के जितने भी प्लांट हैं उनकी तैयारी कीजिए, जिससे कि गार्डन आपका बहुत ही सुंदर कलरफुल बन जाए, या जो आपने पिछले साल सीड कलेक्ट करके रखे उन सीड से आप नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं।